वंश को लंपी वायरस के बचाव को लेकर टीका लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का सख्त निर्देश है कि सभी जिलों के अधिकारियों को हर गौवंश को टीका लगाया जाए और समय से पशुओं की देखभाल की जाए, समय से इलाज भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। एक ऐसा ही मामला जो यूपी के उन्नाव का है, जिसमें गौशाला में 40 गौवंश को रखा गया था और 40 गौवंशों का पैसा भी शासन से आता है, लेकिन अब जिसकी रियलिटी ग्राउंड जीरो पर चेक की गई, तो संवाददाता सोनकर ने भ्रष्टाचार की फूल खुल कर रख दी। मौके पर सिर्फ 12 ही गौवंश मिले, उनको ना तो भूसा और ना ही दाना चारा दिया गया, ना तो समय से इलाज कराया गया और डॉक्टर भी नहीं आते। कई तो गौवंश लंबी वायरस जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं और कई गौवंशों की भूख और प्यास के कारण मृत्यु भी हो चुकी है। ख्वाजकीपुर में शासन से अस्थाई गौशाला बनाया गया था। इस गौशाले में शासन से 40 गौवंशों को रखा गया था, लेकिन मैंने जब इसकी रियलिटी ग्राउंड जीरो पे चेक किया तो मौके पर सिर्फ 12 ही गौवंश मिले। 12 गौवंशों को भी भरपेट न तो दाना चारा की कोई व्यवस्था होती है, न तो यहाँ पर कोई समय से डॉक्टर आते हैं। आइए हम कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को दिखाइए इस गौशाले के अंदर कितनी गौवंश है, चारों तरफ कैमरा घुमा के दिखाइए। इस गौशाले के अंदर सिर्फ मात्र 12 ही गौवंश है मौके पे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पे। ये तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि 12 ही गौवंश है। 12 गौवंशों को भी भरपेट न तो दाना चारा की कोई व्यवस्था होती, न तो यहाँ पर कोई समय से डॉक्टर आता है, न तो उनके कोई खाने पीने की उचित व्यवस्था की गई है। ये दिखाइए कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि नांद है, इस नांद में दिखाइए 1 किलो तक भी दाना चारा की कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर जो हरा चारा की दावा करता सरकार, लेकिन कहीं न कहीं जिले के आला अधिकारी पूरी तरीके से शासन के जो दावे हैं, जो वादे, उनके पूरी तरीके से पलीता लगाने में कोई भी कौर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आइए कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को दिखाइए ये गाय है, इन गायों के भरपेट भी कोई पानी की ना तो व्यवस्था, ना तो दाना चारा की कोई व्यवस्था की जा रही। जब इस पूरे मामले को मैंने ग्राम विकास अधिकारी ऋषि गुप्ता से जानने की कोशिश किया, तो उन्होंने भी पूरी तरीके से हमें जानकारी नहीं दिया। साफ तौर से बता दिया है कि सदर विधायक पंकज गुप्ता का हमारे ऊपर हाथ है, कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। 12 अच्छा, क्या लगता है 12 गायों के लिए भी खाने की कोई व्यवस्था है कि नहीं है? भाई खाने की इच्छा रही है गौशाले के अंदर, बस यहाँ पर को भी कोई डॉक्टर आते हैं? डॉक्टर कभी कदार आते हैं। अच्छा, कई गाय तो बीमार हालत में है। हाँ, तो क्या किया जाए उनको? अच्छा, क्या लगता है ये गाय जो बाहर घूम रहे हैं आवारा, तो तुम लोगों की फसल को नष्ट करती है? हाँ, ये तो नष्ट करती है। नष्ट कर रहे हैं, क्या मांग है तुम्हारी? गाय सब बंद किए जाए। अच्छा, यहाँ बंद नहीं करी जा रहे। कभी सिगरेटरी यहाँ पर आते हैं? सिगरेटरी आता है तो यही रुकता है, यही रुक के चले जाते। कभी समस्या का समाधान नहीं कर रहा, सुनता नहीं, दबंग है क्या? अब क्या बताया, दबंग होगा तभी तो। तब 10-12 है बस। अच्छा, क्या लगता है इन गायों को खाने पीने कोई व्यवस्था है कि नहीं? नहीं हो रही। कोई नहीं, कोई समय से डॉक्टर आते हैं? नहीं, कोई नहीं आते हैं। अच्छा, क्या मांग है आप लोगों की? गाय होनी चाहिए। अच्छा, ये गाय जो बाहर आवारा घूम रहे हैं, किसानों की फसल को भी नष्ट करती होंगी तुम लोगों की, क्या मांग है तुम्हारी? उनको भी अंदर आना चाहिए, बाहर वाले अंदर आना है। बाहर के इसकी गौशाले की नहीं है? अच्छा, ये गाय है, इनको भी कोई भी खाने पीने की व्यवस्था नहीं वहाँ पर? गाय आए घास चल रही है, और जो हमारी कटिया वो डार दिन जाते वो सड़ी कटिया सड़ी है। और कहा भाई, ये भाई बोला करी। अच्छा, क्या लगता है प्रधान और सेक्रेटरी आते हैं? आवत है तो हमें बैठ के अपन चले जाती है। अच्छा, ऋषि गुप्ता का कहना है हमारे ऊपर सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो भैया मर्जी की बात सुनता रही है, भाई अधिकारी हुए तो हम लोग कहा कहिए भाई। अच्छा, आप लोगों की फसल भी नष्ट होती है? नष्ट है, हम मौके पर दिखा दी जानकारी है, पूरी फसल और ज्यादा नष्ट हुई। अब क्या जोत ये है, अब एक चरक बाहर आ रहा है, अब सही जो नदी उर्दी पर दो धान पर जो जुटान हुई। क्या मांग है आपकी? अरे गाय बंद हो जाए बस, बस यही मांग है। होती है गाय, पानी निकल जाती है।